G20 की मेजबानी से साइबर सिटी वासियों के जुड़ाव को लेकर जिला प्रशासन गुरुग्राम की ओर से जन जागरूकता के प्रयास निरंतर जारी हैं। इसी कड़ी में रविवार को साइबर सिटी के लेजर वैली ग्राउंड से रन फॉर G20 मैराथन और व्यापार केंद्र रोड पर राहगिरी इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रन फॉर G20 और राहगिरी इवेंट में शिरकत की और गेम्स में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचे दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को इस साल G20 की अध्यक्षता मिली है। इस साल देश के विभिन्न शहरों में G20 के एजेंडे में शामिल अलग अलग विषयों को लेकर बैठक की जा रही है। गुरुग्राम में भी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक 1 से 4 मार्च को होगी। ऐसे में अपने शहर की ब्रांडिंग के लिए हर गुरुग्राम वासी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए ताकि दुनिया में भारत का अतिथि देवो भव का संदेश पहुँच सके। उन्होंने कहा कि DC निशांत कुमार यादव के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की ओर से G20 की बैठक को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। G20 को लेकर जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन की ओर से मॉडल संवाद कार्यक्रम, राहगीरी और रन फॉर G20 मैराथन का भी आयोजन किया गया, जिससे G20 में आने वाले मेहमानों को भारत का असली रंग दिखाई दे सके। एक अच्छी शुरुआत है जहाँ G20 का प्रेसिडेंसी हमें मिली है, उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए उसमें छोटा सा योगदान राहगिरी की शुरुआत है। मैं तो बधाई देता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राहगिरी की टीम को कि उन्होंने इसकी दोबारा 3 साल बाद इंतजार भी खत्म हो गया सर, 2 दिन बाद हमारे मेहमान आ जाएंगे, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, वसंत देव कटुंबकर जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है उसको हम बहुत मजबूती से आगे ले जाएंगे और 1 से लेकर 4 तारीख तक हरियाणा उसका पहला वर्जन होस्ट करे। वहीं कोरोना के बाद आयोजित की गई राहगिरी में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। राहगिरी में पहुंचे युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अपने बीच पाकर युवाओं के साथ साथ बच्चे भी काफी खुश नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।